दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रिचार्ज लेवर, टॉर्च और इमरजेंसी लाइट को रिपेयरिंग करें। इस स्विच से कितनों बार इसको ऑन ऑफ कर रहे हैं तो ना इमरजेंसी लाइट जल रही है ना टॉर्च जल रही है। जब इसको हम चार्ज में लगाएंगे, जैसे इसको हम चार्ज में लगाएंगे, यहाँ पे देखिएगा चार्जिंग इंडिकेटर जलने लगी। और अब स्विच से हम ऑन करेंगे तो देखिएगा ये टॉर्च भी जलने लगी और इमरजेंसी लाइट, यहाँ से हम इसको जलाएंगे तो इमरजेंसी लाइट भी जलने लगेगी। और इसको 24 घंटा हम चार्ज में लगा भी दे रहे हैं तो ये काम नहीं कर रहा है, चार्ज में से निकालते समय ही बंद हो जा रहा है। अभी देखिएगा ये इमरजेंसी लाइट जल रही है और यहाँ से चार्जिंग पिन हम जैसे बाहर निकालेंगे ये तुरंत बंद हो जाएगी। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप बहुत आसानी से इसको ठीक कर सकते हो, वो भी अपने घर पे। तो इसके लिए सबसे पहले इस टॉर्च को खोलना होगा। खोलने के लिए इसके पीछे साइड में देखिएगा तो आपको चार स्क्रू, दो स्क्रू दिया हुआ रहता। स्क्रू जब यहाँ से खोल दीजिएगा उसके बाद में ये दो भागों में बट जाता, इसको आहिस्ते से ऊपर उठाइएगा ना तो ये बहुत आसानी से निकल जाती है। अब इसमें आपको देखना है कि एक लिथियम 18650 बैटरी, जो 3.7 वोल्ट की बैटरी आती है, वो लगाई हुई रहती है और एक सर्किट लगाई हुई। सर्किट में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कि हमने चार्ज में लगाकर देख लिया इमरजेंसी लाइट भी काम कर रहा है और टॉर्च भी काम कर रहा है। तब आपको इसमें चेक करना है कि कहीं बैटरी का तार टूटा हुआ था नहीं है। अक्सर लाइट कहीं पटका जाता है या गिर जाती है, उस स्थिति में बैटरी से तार टूट भी जाती है तो इस तरह का प्रॉब्लम चलती है। तो आपको इसको चेक कर लेना है कि बैटरी में से कहीं तार और टूटा हुआ तो नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो बैटरी में से तार तो नहीं टूटा हुआ है। अब आपको चेक करना है यहाँ पे चार्जिंग पिन लगाकर बैटरी की दोनों पॉइंट पे प्रॉपर करंट पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। इसको चेक करने के लिए यहाँ पे हम चार्जिंग पिन लगा देंगे। चार्जिंग पिन लगाकर पहले इस लाइट को पहले यहाँ से आप बंद कर दीजिएगा, उसके बाद में इसको मल्टीमीटर से चेक करना है। तो मल्टीमीटर से चेक करने के लिए डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में इस दोनों प्रो को माइनस की माइनस में और प्लस की प्लस में पॉइंट्स हटाकर यहां से चेक कीजिएगा। तो देखिएगा बैटरी के पास बिल्कुल सही करंट पहुंच रही है, 5.654 के करीब यहां पे करंट आ रही है। तो बैटरी के पास तो करंट आ रही है और बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कि ये बैटरी खराब हो गया है। इसके जगह पर आप दूसरा बैटरी को लगा दोगे तो 100% चार्ज होने लगेगी और ये टॉर्च काम करना शुरू कर देगा। उससे पहले इस बैटरी में एक ट्रिक है, इस ट्रिक से इस बैटरी को आप ठीक भी कर सकते हो। तो यहाँ से पहले चार्ज में से इसको निकाल दीजिएगा। जब चार्ज में से निकाल दीजिएगा उसके बाद में ये बैटरी ओवर चार्ज हो जाती है तो इसमें गैस बन जाती है। तो गैस जब बन जाती है तो भी इस बैटरी काम करना बंद कर देती है। तो इस तरह का नोकीला चीज या मल्टीमीटर की प्रो से भी इसको गैस को निकाल सकते हो। जिस तरफ माइनस का पॉइंट है उस तरफ नहीं, प्लस का जिस तरफ पॉइंट है यहाँ पे देखिएगा तो हल्का हल्का आपको होल दिखाई देगा, पतला पतला सा। चार होल इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको, 1, 2, 3, 4। इसमें पतला सा आप सुई भी ले सकते हो या कोई पतला सा नोकीला चीज या मल्टीमीटर की प्रो से हम इसको दबाकर इसमें देखेंगे। इसको अंदर यहाँ से गाँथेंगे, गाँथेंगे तो इसमें गैस निकलेगा। इस बैटरी को यहाँ पे हम गाँथ कर होल कर दिए लेकिन इसमें से थोड़ा सा भी गैस नहीं निकला। अब चलिए थोड़ा हम चेक करके भी देखते हैं कि जल रही है कि नहीं। तो देखिए कि यहाँ पे ना टॉर्च जल रही है ना ये इमरजेंसी लाइट भी यहाँ से नहीं जल रही है। इस स्थिति में इस बैटरी को हमको चेंज ही करना पड़ेगा, दूसरा इसमें कोई उपाय नहीं है, इस बैटरी को चेंज करना होगा। तो इस तरह का बैटरी मार्केट में आपको बहुत आसानी से 40-50 रुपये में मिल जाएगा। इस तरह का बैटरी आप मार्केट से ले लीजिएगा। इसका नंबर आप देख सकते हो, ICR 18650 1200 mAh में बैटरी है। चाहे तो आप 2000 2200 mAh में 1800 mAh में आता है इस प्रकार का बैटरी, कोई भी बैटरी आप लगा सकते हो। इसका साइज आप माप लीजिएगा। उसके बाद ये 3.7 वोल्ट की एक बैटरी होती है। अब इसके जगह पर माइनस प्लस की सोल्डिंग करना है, इस बैटरी से माइनस प्लस की तार को छुड़ा देना है और ये वाला बैटरी की माइनस प्लस को सोल्डिंग कर देना है। तो चलिए इस बैटरी को हम छुड़ाकर फटाफट इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। तो जो नया बैटरी था इसका माइनस प्लस देखकर हमने सोल्डिंग कर लिया। इस बैटरी पर माइनस और प्लस लिखा हुआ रहता है, ये ला देखिएगा माइनस लिखा हुआ है और दूसरे साइड प्लस लिखा हुआ है।
प्लस पॉइंट यहाँ पे सोल्डिंग कीजिएगा और माइनस पॉइंट यहाँ पे सोल्डिंग कीजिएगा। जब बैटरी इसमें लगाकर सोल्डिंग कर दीजिएगा तो एक बार इसको चालू बंद करके आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे हम चालू किया देख सकते हो ये वर्क कर रहा है। अब चलिए इमरजेंसी लाइट को हम चालू करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे चालू किए इमरजेंसी लाइट भी जल रही है। अब आपको इसको फिट कर देना है, सेम तरीके से इसको आप कस लीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।